खबर छत्तीसगढ़ के बालोद से है, जहां पर कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। चंद्रवाल ने अधिकारियों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को निर्धारित समयावधि में समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। इस दौरान कलेक्टर चंद्रवाल ने संविधान दिवस के अवसर पर समय सीमा की बैठक में उपस्थित अधिकारियों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन भी कराया। बैठक में अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक एवं संयुक्त कलेक्टर अजय किशोर लकड़ा एवं श्रीमती पूजा बंसल सहित राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर चंद्रवाल के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के कार्य की समीक्षा करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी सभी धान खरीदी केंद्रों में समुचित मात्रा में बारदानों की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से जिले के अस्पतालों में फायर ऑडिट के कार्य में संबंध में जानकारी ली। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को जिले के सभी अस्पतालों में अनिवार्य रूप से फायर ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। बालोद से मोइन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।